हेलो स्टूडेंट्स। सो यार फाइनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से जो है यूजी की सीएससी बीटेक की लिस्ट है जारी कर दी गई है, मेरिट लिस्ट की। अब क्या कट ऑफ रहने वाला है, कैसे क्या देखना है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाते हैं, आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस का पीडीएफ चेकआउट करना है। उसके बाद हम कट ऑफ की डिस्कस भी करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, ये कट ऑफ लिस्ट आई है सीओएस के लिए, सीएससी ब्रांच के लिए। काफी सारे बच्चों ने अप्लाई किया है। अमन कुमार को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर वो वीडियो देख रहा है तो ओबीसी कैटेगरी से है और उसने, जैसे ऐसा मान सकते हो कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स ये अप्लाई करने वाला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के अंदर, बीटेक सीएससी के अंदर। ओके, उसके बाद पूजा रे, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे। उसके बाद अर्णव कुमार एंड जो भी है डोटो डोटो। ठीक है, तो टोटल अगर अपन यार अप्लीकेंट्स की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो 3100 कुछ बच्चों की यहाँ पे डिटेल अभी तक दी गई है कि यहाँ पे 3166 बच्चों ने अप्लाई किया था। हालांकि इनका पहला कहना था कि 3300 प्लस कैंडिडेट का अप्लाई किया है, लेकिन अभी देख सकते हो सिर्फ 3100 बच्चे ही अप्लाई किए हैं। ठीक है, लास्ट जो आ रहा है ऋषभ कुमार, वो है 11% का LSC कैटेगरी। ठीक है, अब भैया किसका किसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये जो मेरिट बनी है ये तो 10 लाख, ऐसे मान सकते हो कि सीरियल वाइज है। ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे कि पहले जो भी है सबसे ज्यादा जो जनरल वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको कोई रिजर्वेशन नहीं है। ओके, अब जो ओबीसी वाला जो बच्चा है, अब ये जो अमन कुमार है इसको तो सीट मिलेगा, वो जनरल के बेसिस पे मिल जाएगा। ठीक है, उसको इसको ओबीसी का कोई मतलब नहीं है। एंड ये जो अर्णव कुमार है इसको भी जनरल बेसिस पे मिल जाएगा। ये जो वंदना अग्रवाल है ये ऑलरेडी जनरल में है। ठीक है, सूरज ये जो है इसको भी ऑलरेडी जनरल बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, देखो यार इसमें ये रिजर्वेशन ऐसे होता है, जैसे SC ST PWD OBC। ठीक है, अब इनको पहले इनकी जितनी भी सीटें होती है इनको फिल करा दी जाती है इनके मार्क्स के बेसिस पे। एंड उसके बाद जो सीटें होती है, जो अनरिजर्व सीटें होती है, वो दे दी जाती है जनरल वालों को। तो जनरल वालों को तो ऊपर से शुरू होती है, लेकिन जो बच्चे टॉप करते हैं ना, जो जहाँ तक पहले अगर पहुँचती नहीं है सीटें, तो वो डायरेक्टली उनको जनरल बेसिस पे ही मिलती है। जैसे अमन कुमार को जनरल बेसिस पे मिल जाएगा। अब यार काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सब समझ नहीं आता कि भैया क्या जनरल क्या नहीं, हमारे काफ़ी कम मार्क्स हैं, हमको बीटेक करना है सीएससी ब्रांच के अंदर, राइट, तो हम क्या करें। सर इसके लिए ना काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जो कि आप मान सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी हैं। बहुत सारे कॉलेजों के एडमिशन NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी ऑलमोस्ट काउंसलिंग क्लोज हो चुकी है, काफ़ी सारे बच्चे कॉलेजों में सीटें छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजों की अगर अपन बात करें तो यार ज्ञानी जेल सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज, IQ गुजराल, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, UIT चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, SLIT पंजाब हो गया, GNDU गुरु नानक देव अमृतसर हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, ये कॉलेज काफ़ी अच्छे कॉलेज है यार। इनमें जो अभी डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है आपका, ठीक है, नीचे में एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज एन चार्जेबल प्रोसेस, बट आपका जो है बीटेक सीएससी में एडमिशन हो जाता है। काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों में हम आपका एडमिशन करा देते हैं डायरेक्टली। ओके, तो आप जो है उसमें इनरोल कर सकते हो। इसके साथ ही ये CUET की फुल काउंसलिंग कराते हैं मौलिकोट 1499 रुपये में, और हम आपको एडमिशन की श्योरिटी देते हैं कि आपको ऑलमोस्ट जो एडमिशन टिल लास्ट राउंड तक, इस फोर्थ राउंड तक प्रोवाइड करने का वादा करते हैं। तो आप जैसे उसमें इनरोल कर सकते हो। इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइजेस पे CUET की काउंसलिंग मौलिकोट 1499 रुपये में हम प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर आप उसमें ज़रूर से जाके इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया, साथ में व्हाट्सअप नंबर, हेल्पलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, सारा सब कुछ दिया गया, आप सारे के सारे लोग चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि भैया ये कट ऑफ कैसे डिक्लेयर की गई है। तो यार ये जो आपके PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के बेसिस पे डिक्लेयर हुई है। अगर मैं बात करूँ जैसे कुछ ये जो टॉप जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे 400 ये 40 के बाद के, तो ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पे एडमिशन लें। ठीक है, ये हो सकता है बाहर भी अच्छे कॉलेजों में, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको सिर्फ CSE ही चाहिए देन तो इनके पास ये ऑप्शन बचता है। वरना यहाँ पे यार कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो रहने वाला है। तो आप जस्ट जो चाहते हैं कि आपका भैया स्पोर्ट राउंड वगैरह में या फिर डायरेक्ट ऑफलाइन एडमिशन हो जाए, देन आप मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कॉल करती है, सारा सब कुछ बताती है कि भैया आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, CSE में कहाँ पे होगा।
ओलीपुर 1499 रुपये में आपका कंप्लीट श्योर एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, जरूर से आप जाके एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। अगर अपन बात करें यहाँ पे एडमिशन कट ऑफ की, तो मैक्सिमम जो है ऑलमोस्ट आप 250 तक सेफ मान सकते हो। अगर आपकी रैंक 250 तक आ रही है सीरियल नंबर वाइज, तो आप सेफ है बच्चों, ठीक है। उसके बाद भैया ये जस्ट लाइक की डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर के बेसिस पे आपको ये सीरियल नंबर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कुछ बच्चों के मार्क्स बराबर है, तो भैया किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, यार उससे पहले देखा जाता है कि आपका जस्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मार्क्स, जिसमें अगर मैथ के मार्क्स ज़्यादा हो उसके बाद जस्ट लाइक फिजिक्स के मार्क्स, उसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स, अगर ये तीनों सेम सेम होते हैं देन उसके बाद आपका देखा जाता है डेट ऑफ बर्थ, सॉरी जेंडर, ठीक है। फीमेल को पहले प्रायोरिटी मिलती है, फीमेल के बाद अगर वो भी सेम फीमेल होती है तो फिर उसके बाद जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होती है उसको पहले रैंक दिया जाता है, ठीक है।